योगराज सिंह का तो नाम आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको बता दें, योगराज सिंह भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह के फादर हैं। आए दिन योगराज सिंह एमएस धोनी के बारे में बोलते हैं अपने बेटे को लेकर कि उनके बेटे के साथ एमएस धोनी ने क्या किया। फिर से एक बार योगराज सिंह आग बबूला हुए हैं और इस आग बबूले में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सब आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आदित्य गर्ग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपको बता दें, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह एक बार फिर से एमएस धोनी पर जमकर बरसे हैं। भारत के लिए 7 मैच खेल चुके योगराज ने कई बार सार्वजनिक मंच पर भारत के पूर्व कप्तान धोनी की आलोचना की है और उन पर अपने बेटे युवराज का करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया है। धोनी पर फिर से हमला बोलते हुए योगराज ने कहा कि वह धोनी को जिंदगी में कभी माफ नहीं करेंगे। योगराज का कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। योगराज ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए कहा, मैं एमएस धोनी को माफ नहीं करूंगा, उन्हें आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। वह बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ जो किया है वह सब कुछ सामने आ रहा है। उन्हें जीवन में कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने जीवन में कभी दो चीजें नहीं की है, पहला जिसने मेरे लिए गलत किया मैंने उसे कभी माफ नहीं किया, और दूसरा मैंने अपने जीवन में कभी भी उन्हें गले नहीं लगाया, चाहे वह मेरा परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। यह पहली बार नहीं है जब योगराज ने धोनी पर निशाना साधा है। इस साल की शुरुआत में 66 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया कि धोनी के बुरे कामों के कारण सीएसके आईपीएल 2024 हार गई। उन्होंने धोनी पर युवराज से ईर्ष्या करने का भी आरोप लगाया। युवराज ने कहा था, सीएसके आईपीएल 2024 हार गई, वे क्यों हार गए, जो बोओगे वही तो काटोगे। युवराज सिंह आईसीसी के एम्बेसडर हैं, उन्हें सलाम। ईर्ष्यालु धोनी वह कहां है, उसने युवराज से हाथ तक नहीं मिलाया और यही कारण है कि सीएसके इस साल विफल रही। धोनी ने अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। हालांकि 43 वर्षीय यह दिग्गज क्रिकेट विकेटकीपर बल्लेबाज अभी भी आईपीएल में एक खिलाड़ी के रूप में सक्रिय है। चेन्नई सुपर किंग के साथ धोनी का भविष्य फिलहाल असक्रिय है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अब अगले साल आईपीएल में हिस्सा लेंगे या नहीं। इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। यह बात भी सामने आई थी कि सीएसके उन्हें एक अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में खिलाने के लिए बीसीसीआई को मना रहा था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया है कि इंपैक्ट प्लेयर नियम के भविष्य से धोनी का भी भविष्य तय होगा। वहीं आपको बता दें, आए दिन ऐसा होता रहता है कि योगराज सिंह, जो युवराज सिंह के फादर हैं, वो बोलते रहते हैं धोनी के बारे में कि युवराज सिंह का करियर अभी 4 साल और होना था, लेकिन धोनी के ईर्ष्या की वजह से उन्हें मौका आगे नहीं मिला। वैसे आपको बता दें, युवराज सिंह एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं भारतीय टीम के लिए। आप पे इसका क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिपोर्टर जी।